आप सब कैसे हैं? आई होप मेरे सारे फ्रेंड बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे एंड स्वस्थ होंगे। और अभी शायद 4 बज रहा है, तो मैं सोची चलो मैं सारे कलेक्शन आप लोग का साथ में दिखाती हूँ। और मेरा ऐसा बहुत सारी नहीं है, मेरा कुछ 4-5 से ऐसे चार गिन के ऐसा चार एक दो या चार साड़ी है मेरा। और उसके मैं आप लोग को दिखाऊंगी मेरा किस तरह का साड़ी है। तो मैं बेसिकली मैं कोई वेडिंग के लिए ऐसा पर्सनली मैं साड़ी नहीं ली हूँ, मुझे इतना साड़ी अच्छा लगता है। और मैं ऑफकोर्स ये साड़ी में मेरा मतलब बुआ जी हाँ बुआ का शादी में मैं ये साड़ी ली थी, तब शायद मैं कॉलेज में पढ़ती थी। ऐसा होता है ना वेडिंग में घर का जो वेडिंग रहता है तब सब लोग साड़ी पहनने के लिए सोचता है। ऑफकोर्स मेरे पास अच्छा साड़ी नहीं था तब, तो मैं ये साड़ी खरीदी थी लगभग आज से 5-6 साल का पहले का बात है, ये साड़ी जब मैं खरीदी थी। और ये साड़ी बहुत अच्छा है, कंफर्टेबल है ये साड़ी। और मुझे तब का टाइम में ये साड़ी बहुत चला था, अभी ये साड़ी नहीं चलता है। तो उसके बाद से मैं नहीं पहनी हूँ, लास्ट हाँ एक बार भी खरीदी हूँ वो मेरे पास ही हूँ। तो ये साड़ी मैं ली थी, तो ये है सिल्क साड़ी। तो ये भी इतना महंगा नहीं है, सिज्जत में पूजा में पहनने के लिए इस टाइप का रेड और वाइट का कॉम्बिनेशन में ली हूँ। तो एकदम वाइट भी नहीं है ये साड़ी, क्या बोलूँ उससे ब्राउनी ब्राउनी थोड़ा इस तरह का है। और ये रेड और मतलब इस तरह का है, इसके लिए पूजा में हम लोग में ऐसा ही पहनता है, रेड और वाइट कॉम्बिनेशन में इस तरह से पहनते हैं। तो ये साड़ी मैंने लिया था, ऑफकोर्स मैं फ्लिपकार्ट से ली हूँ, ये भी बहुत साल हो गया। और इसका जो ब्लाउज है ऐसा मैं बनाई हूँ घोटी हटा ब्लाउज, तो बंगाली में ऐसे घोटी हटा ब्लाउज पहनता है तो रेट में बहुत अच्छा लगता है, घोटी हटा ब्लाउज अच्छा लगता है। तो ऑफकोर्स तो मे भी ऐसा घोटी हटा बनाया हूँ। और साइड में इस तरह से मैं खुद से मैं ये लेस लगाई हूँ, खरीद करके मैं ये लेस लगाई हूँ घर पे ही। तो ये फर्स्ट साड़ी और सेकेंड साड़ी है ये, और ये येलो और थोड़ा थोड़ा मेरा बॉर्डर में इस तरह से नीचे में पिंक है। और हाँ इस तरह से है, हाँ टोटली। और इसका जो ब्लाउज है ये थोड़ा मैं लंबा करके इस तरह इतना सा मैं बनाई हूँ ये ब्लाउज, लेकिन ये ब्लाउज बनाने के बाद ये ब्लाउज पहन कर तो मैं कम्फर्टेबल नहीं हूँ, तो मैं तो ये अभी तक मैं नहीं पहनी हूँ, कोई भी ओकेजन में अभी तक नहीं पहनी हूँ। तो मैं डायरेक्ट ये मैं खरीदने के बाद मैं सूते की हूँ, ये भी बहुत साल हो गया, 2-3 साल ये भी हो चुका है ये साड़ी। तो इस तरह से है, ये भी मैं फ्लिपकार्ट से ली हूँ, बहुत ही कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है ये येल्लो और पिंक में। तो पूरा बॉडी इस तरह से है येल्लो, और लास्ट ये साड़ी है। तो इस साड़ी का हाँ ये सिफोन का साड़ी है, मैं पूरा फोल्ड कर आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि ये जब फोल्ड करना पड़ता है ना तब मुझे अपना मतलब इधर से निकल जाता है उधर से निकल जाता है। तो ये है सिफोन का साड़ी, तो ये मैं मेरे फ्रेंड का शादी में पहने दी थी, तभी भी मैं मतलब मुझे एक कलर का साड़ी चाहिए था और मुझे इस तरह का मतलब ग्रीन कलर का साड़ी मतलब मुझे बहुत पसंद है। तो ये भी लिए थे 300 या 400 इस तरह से, ये भी साड़ी लिया था। ये तीनों ही मैं फ्लिपकार्ट से ली हूँ ये साड़ी, और इसका ब्लाउज मैं एकदम सिंपल तरह से बनाया हूँ। और ये जो इसका डीप करके मैं इसका गला जो है ये बनाया हूँ, और ये लेस भी ऑफकोर्स मैं खुद ही लगाई हूँ घर पे, और सिंपल तरह से ये है। थोड़ा हाथ में है जो ये है हाथा, ये इतना है शॉर्ट है ये। और मेरा फ्रेंड का साड़ी में मैं इस साड़ी का ग्रीन कलर का साड़ी में तो ये ब्लाउज में पहनी थी। तो ये मैं रेडीमेड मार्केट से ली हूँ ब्लाउज ये, और ये ब्लाउज मुझे बहुत ही अच्छा लगा, ये शायद 500 या 300 या 400 इस तरह से लिया है। और ये साड़ी का जो ब्लाउज है पिंक कलर का है, बट इसका ब्लाउज जो है तब मैं एकदम थीम थी इसके लिए अभी बॉडी में नहीं आता है, और कहाँ पर रखा मुझे भी पता नहीं अभी, बट ये
उसका ब्लाउज भी थोड़ा गड़बड़ करके बनाया है, इस वजह से मैं वो ब्लाउज में यूज नहीं की हूँ। तो ये मेरे मुझे मतलब मौसी जो ना मुझे दिया था ऐसे ब्लाउज, तो उसके साथ मैं ये पहनी हूँ। Thank you.
मैं सब मेरा साड़ी है, चार साड़ी है। आई होप आप सभी को अच्छा लगेगा ये वाला ब्लॉग। अगर अच्छा लगे डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और जो लोग नए हैं मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। एंड आगे भी आप लोग का मतलब इंटरेस्टिंग ब्लॉग मैं लेकर आऊंगी जल्द ही। तो चलिए आज के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।